हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट 2020 को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। इसके द्वारा विश्व के 64 देशों पर यह रिपोर्ट जारी किया गया। कितने देशों पर? 64 देशों पर। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्टील उत्पादन 2020 के लिए 137.1 मिलियन टन है। वैश्विक स्टील उत्पादन 2020 में कितना हुआ? 137.1 मिलियन टन हुआ, जो कि यह 2019 के अपेक्षा 13% कम है। किसके अपेक्षा? 2019 के अपेक्षा 2019 की अपेक्षा 13% यह कम है। 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था। कितना था? 157.67 मिलियन टन था। अब यहाँ पर देखते हैं कि विश्व स्टील उत्पादन 2019 में 157.67 मिलियन टन था, जो कि 13% घटकर इस साल 137.1 मिलियन टन हो गया है। ये वैश्विक स्टील उत्पादन है। कितना? 137.1। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का एकमात्र देश चीन, जिसके कच्चे इस्पात उत्पादन में इस साल 85 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि उसके पिछले साल की अपेक्षा इस साल के उत्पादन में 0.2% की बढ़ोतरी हुई है। तो विश्व का कौन एक मात्र देश है जिसके उत्पादन बढ़ोतरी हुई है? वो चीन है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 0.2% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के क्रूड स्टील उत्पादन में इस साल 65% की गिरावट आई है, यानी कि 65% की भारी कमी हो गई है। भारत ने इस साल 3.1 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया है। कितना टन? 3.1 मिलियन टन का। ये 2020 का रिपोर्ट है। वहीं अमेरिका को 32% का, कितना? 32% का गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया को क्रूड इस्पात उत्पादन में 8.4% की गिरावट आई है। यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, तुर्की, स्पेन, रूस, यूक्रेन और ब्राज़ील जैसे देशों में भी उत्पादनों में भारी गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पर ये विश्व के क्रूड स्टील प्रोडक्शन का ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रेड वाली लाइन है, ये चाइना की है। चाइना की उत्पादन दर जो है वो घटी नहीं है, और ये जो नीले वाली लाइन है, ये विश्व की दर बता रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि चाइना मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। विश्व के उद्योग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला देश कौन हो गया है? वो चाइना हो गया है। इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि चाइना को, ये चाइना का 2020 का रिपोर्ट है और ये 2019 का है, जिसमें जो है ये 85,033 हो गया है और ये 84,876 है, जिसमें 0.2% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। वहीं इंडिया में -65% की गिरावट दिखाई गई है। इंडिया में इस साल 3,137 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। अब हम लोग राष्ट्रीय इस्पात नीति को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति क्या है? वर्तमान समय में भारत राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत काम कर रही है। किसके तहत? 2017 के तहत। इस नीति के तहत भारत को 2030 तक अपने इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है। कहाँ तक? 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना। यहाँ पर हम लोग भारत के प्रमुख इस्पात कारखानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए हमने एक स्पेशल ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक है बोझा भिच्छ दुब राओ। ट्रिक का क्या नाम है? 2-3 बार हम लोग पढ़ेंगे, बोझा भिच्छ दुब राओ, जिसमें बोझा का अर्थ है बो से बोकारो और झा से झारखंड। तो बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में है। बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ पर है? वो झारखंड में है।
तो बो से बोकारो हो गया और झा से झारखंड। अब हम लोग भिच को देखते हैं, भी से भिलाई हो गया और झा से झारखंड हो गया। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? झार छत्तीसखंड में स्थित है। दुब से देखेंगे, दू से दुर्गापुर और पा से पश्चिम बंगाल। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल से। तो इसलिए दू से दुर्गापुर हो गया और पा से पश्चिम बंगाल। राव, राव में हम देखेंगे कि रा से राउल केला होगा और ओ से उड़ीसा हो गया। तो राउल केला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब लोग इसका विस्तार से देखेंगे। बोकारो, बोकारो कहाँ स्थित है? झारखंड में। इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि बोकारो संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो बताएंगे रूस की सहायता से इसे निर्मित किया गया था। ये किस वर्ष काम करना शुरू कर दिया था? तो ये 1973 से इसने उत्पादन करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है भिलाई, भिलाई कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। तथा इसने अपना उत्पादन 1959 में शुरू कर दिया था। कब किया था? 1959 में। नेक्स्ट है दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो बताएंगे ब्रिटेन की सहायता से। राउल केला, राउल केला कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से किया गया था। ये 1959 में भी इसने उत्पादन काम करना शुरू कर दिया था। एक बार फिर से हम इस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है बोझा भिच्छ दुप राव, जिसमें बोझा का अर्थ है बो से बोकारो और झा से झारखंड। भिच्छ का अर्थ है भी से भिलाई और झा से छत्तीसगढ़। दुप का अर्थ है दू से दुर्गापुर और पा से पश्चिम बंगाल। राव का अर्थ है रा से राउल केला और ओ से उड़ीसा।